वेलकम टू बैसनोस टूटोरियल इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट टीचिंग वैकेंसी इन राजस्थान ये जो टीचिंग वैकेंसी है आप लोगों की वो सीनियर टीचर की वैकेंसी है और राजस्थान लोक सेवा आयोग इसके लिए एग्जाम करवाएगा जो दिनांक है वो पाँच चार दो हज़ार बाईस को आउट uh, हुई थी ये वैकेंसी और इसमें जो इंग्लिश के अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो सोलह सौ अड़सठ पद हैं इसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं सामान्य के तीन सौ अट्ठाईस हैं और ई डब्ल्यू एस के वन ज़ीरो नाइन है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग में आप लोग देख सकते हैं कि एक सौ अड़सठ और एक सौ अट्ठाईस पिछड़ा वर्ग में दो सौ सत्रह और अति पिछड़ा वर्ग में आप लोगों की पचपन और बाकी डिटेल्स ये डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं टोटल जो है वो सोलह सौ अड़सठ पद है इसमें जो इम्पोर्टेंट है और जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप लोगों की जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या होनी चाहिए वो है आपकी ग्रेजुएट और इक्वलेंट एग्जाम रिकोगनाइज बाई सी तो मेनली uh, जो टी जी टी और पी जी टी लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें ग्रेजुएट और इक्वलेंट या पोस्ट ग्रेजुएट ही मांगा जाता है तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएट मांगा गया है और uh, इसके अलावा आप लोगों की आयु में जो छूट की अगर हम बात करें कुछ uh, छूट इसमें दी गई है तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के पुरुष जो है उनको पांच वर्ष की छूट दी गई है राजस्थान की जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति इसमें जो है महिला वर्ग जो है पुरुष के लिए पांच साल की छूट है और महिला के लिए दस साल की छूट दी गई है सामान्य वर्ग की जो महिला है उसे पांच वर्ष की छूट दी गई है और जो विधवा और विच्छिन्न विवाह प्रत्यक्षता जो महिला है उसके लिए आयु की कोई सीमा नहीं है इसके अलावा इसके बाद हम चलते हैं नीचे और इसमें देखते हैं कि जो चयन प्रक्रिया है उसमें क्या है तो चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा तो इसमें एक आपके एग्जाम होंगे और परीक्षा का माह वगैरह ये आपको अभी सूचना इसकी है नहीं तो ये सूचना आपको दी जाएगी तो आप लोग जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करके रखिए क्योंकि हम इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से कवर करेंगे और आप लोगों को पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे आप लोग ज़रूर आइकन प्रेस करके रखिए आवेदन की जो अवधि है वो 11 चार 2022 से 10 पाँच 2022 तक ये 12 बजे तक है रात्रि 12 बजे तक आप लोग देख सकते हैं और डिटेल्स यहाँ पे ये आपके लिंक्स हैं आर पी एस सी राजस्थान डॉट जी ओ डॉट इन इस पर आप लोग जा सकते हैं और इसके बाद जो पोर्टल है वो आप लोग देख सकते हैं ये अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके और आपको इसमें एस एस ओ पोर्टल पर जाना है लॉगिन करके सिटीजन ऐप में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल और चयन पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी आपको इससे पहले करना है तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है सभी लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं कि कोई भी एग्ज़ाम अगर देना है तो ओ उसमें हमें करना होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है थोड़ी सी बातें यहाँ पर हमें ध्यान रखनी चाहिए कि फॉर्म फिल करते हुए कहीं ना कहीं हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन है उनका उनका जो डिटेल है उसे क्रॉस चेक कर करके भरिए क्योंकि एक बार अगर मिस्टेक हो गई तो एक तरह से कहीं ना कहीं जो मेंटल प्रेशर रहता है वो हमारी तैयारी को भी आ, आ, उसमें भी इफ़ेक्ट डालता है तो आपको करना क्या है कि आ, जो जो भी आप कर रहे हैं उसे क्रॉस चेक करिए हो सके तो किसी को अपने साथ बैठाइए वो बोलेगा तब आप आ, डिटेल आप फिल कीजिए इसमें क्या होता है कि आ, अच्छा अच्छी तरीके से फॉर्म भर जाता है और आप एक संतुष्ट तरीके से अब अप, अपने काम पे लग सकते हैं तैयारी के अदरवाइज़ फिर वही होता है कि आपको बाद में भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इनकेस आपका सिलेक्शन होता है कहीं पर कोई मिस्टेक होती है तो भी आपकी भाग दौड़ बढ़ जाती है तो आप जब भी ओ टी आर भरें या अपना फॉर्म भरें तो उसमें बहुत अच्छे से बहुत धैर्य के साथ आराम से टाइम लीजिए लेकिन हाँ जल्दी फॉर्म भरने का भरने की कोशिश कीजिए अब हम बात करेंगे इसमें जो सिलेबस की बात कर अगर करेंगे तो यहाँ पे देखिए सिलेबस में आप लोगों का क्या है आ, पहले यहाँ पे देख लेते हैं जैसा मैं आपको अभी कह रहा था कि सभी प्रकार के संशोधन हेतु पाँच सौ रुपये तो, तो निर्धारित हैं ठीक है तो अगर आपको कहीं संशोधन करना पड़ा तो उसमें पाँच सौ रुपये भी आप लोगों को कहीं ना कहीं देने पड़ेंगे तो इसीलिए आपको बाद की जितनी समस्याएँ रहती हैं उनसे दूर रहने के लिए ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत आराम से तसल्ली से अपना Uh, अपनी सारी डिटेल्स को क्रॉस चेक कर करके देखिए उसके बाद चाहे दो बार तीन बार आपको क्रॉस चेक करना पड़े तभी आप उसको देखिए और उसके बाद ही सबमिट का बटन आप दबाइए अब चलते हैं यहाँ पर uh, जो आपका स्कीम है या सिलेबस है वो किस तरह से है द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स तो आपके 200 मार्क्स का होगा एंड ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी टू आवर्स दो घंटे का होगा तो लगभग एक मिनट आपको एक क्वेश्चन के लिए सॉरी सिक्सटी सिक्सटी मिनट तो आपको डिवाइड कर लेना है टू टू हंड्रेड मार्क्स से कि आपको कितना टाइम आपको मिल रहा है द क्वेश्चन पेपर विल कैरी हंड्रेड क्वेश्चन ऑफ़ मल्टीपल चॉइस और uh, आपके कितने का होगा हंड्रेड uh, क्वेश्चन होंगे तो मीन्स एक क्वेश्चन आपका कितना का है टू हंड्रेड मार्क्स का है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि पेपर जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो पेपर फर्स्ट है जियोग्राफिकल हिस्टोरिकल कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ़ राजस्थान ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है क्योंकि कहीं का एग्ज़ाम है राजस्थान का एग्ज़ाम है तो आपको बहुत अच्छे से इसे तैयार करना है करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान इससे क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे जनरल नॉलेज ऑफ़ वर्ल्ड एंड इंडिया तो इंडिया का आपका जो हिस्ट्री एंड जियोग्राफी अगर आपको अगर इंडियन हिस्ट्री और जियोग्राफी आपकी प्रपेयर्ड है वेल well प्रिपेयर है तो बहुत अच्छा नहीं है तो आप इसकी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी आज एजुकेशनल साइकोलॉजी पर भी आप लोग हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं इसमें आप लोगों का है नेगेटिव नेगेटिव मार्किंग शेल बी एप्प्लीकेबल इन द इवेल्यूशन ऑफ आंसर एंड वन थर्ड तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि वन थर्ड ऑफ द मार्क्स तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि किस तरह से आप अपनी जो नेगेटिव मार्किंग है उसको हटा सकते हैं उसमें ज़्यादा लॉस आपको ना हो किस तरह से आपकी जो आपको अटैम्प्ट करने क्वेश्चन उसके बारे में आपको एक डिटेल वीडियो बताऊँगा एंड हियर द नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट आपका पेपर सेकेंड हुआ क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम थ्री हंड्रेड मार्क्स तो जो टोटल आपका एग्जाम पेपर है वो फाइव हंड्रेड का है ड्यूरेशन होगा आपका सेकेंड सेकेंड पेपर का जो 300 मार्क्स का होगा टू आवर्स थर्टी मिनट का आपका ये पेपर होगा द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 150 फिफ्टी क्वेश्चन एंड मल्टीपल चॉइस तो आपका यहाँ पर भी दो नंबर का एक क्वेश्चन है और 150 फिफ्टी क्वेश्चन आपके होंगे नेगेटिव मार्किंग शेल बी एप्लीकेबल इन द इवेलुएशन ऑफ ऑफ आंसर्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर वन थर्ड यहाँ पर भी आपका कितना है वन थर्ड जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट में भी वन थर्ड है और यूजअली वन थर्ड ही होता है नाउ

ये आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां आप लोग ध्यान दीजिए कि आपको जो तैयारी करनी है वो किस तरह से करना है नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रेलिवेंट सब्जेक्ट मेटा नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रेलिवेंट सब्जेक्ट मेटा अब हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो आपका जो ग्रेजुएशन है पोस्ट ग्रेजुएशन है वैसे यहां पे ग्रेजुएशन लिखा हुआ है बट इट इज़ ऑलवेज डिसेप्टिव अबाउट इंग्लिश लिटरेचर यह हमेशा आपको धोखा देता है तो आप लोगों को ध्यान देना है कि आपको अपना जो एम का सिलेबस है कहीं ना कहीं उसे भी टच करके जाना है अगर आपको क्वालिफाई होना है ठीक है तो आपका लिटरेचर बहुत इंटरकनेक्टेड है तो आप ये नहीं सोच सकते सबसे पहले आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए क्योंकि सारी चीज़ें जो भी राइटर होगा वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से ही होता है पहली चीज़ दिमाग में आप ये बैठाएँगे तो एक बहुत अच्छा खाका आप लोग रख सकते हैं अपने दिमाग में इसके लिए और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का बहुत अच्छा हमने एक कोर्स भी बनाया है अगर आप जुड़ना चाहते हैं हम लोगों से तो आप व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है पूरा ना राजस्थान का या पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है उसे हम पूरा डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में और अपनी तैयारी शुरू करेंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी हो जाएगी टीचिंग मैथड्स ऑफ रेलिवेंट सब्जेक्ट तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो टीचिंग मैथड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है वो भी आपको लैंग्वेज लैंग्वेज एंड लिटरेचर दोनों की बात हम करेंगे या लिंग्विस्टिक्स की बात हम करेंगे तो पूरा डिटेल में इनकी इनकी तैयारी हम लोग करने वाले हैं इसके बाद आते हैं आप लोगों का परीक्षा शुल्क परीक्षा शुल्क में आप लोग देख सकते हैं कि जो सामान्य अनारक्षित हैं उनको क्रीमी लेयर श्रेणी के कुछ अन, आ, अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक जो हैं उनको थ्री हंड्रेड फिफ्टी है आ, इसके बाद ई डब्ल्यू एस के लिए टू फिफ्टी है और अनुसूचित जाति एस टी एस टी के लिए ये और जिनकी पारिवारिक आय ढाई लाख से कम है वो वन फिफ्टी तो अगर कहीं पर आपको पारिवारिक आय की बात की जाती है तो आपका आय प्रमाण पत्र आप लोगों को तैयार रखना चाहिए इन फ्यूचर के लिए सिलेक्शन के बाद भी बहुत ज़रूरी होता है और इसमें आप लोग देख सकते हैं आदिम जाति के आवेदक आवेदकों हेतु तो ये आपका 150 है तो वैसे जब भी मैं कहता हूँ कि फ़ीस के बारे में फ़ीस तो जो भी हो न, वो उतनी मैटर नहीं करती है मेन चीज़ मैटर करती है आपका सिलेक्शन और सिलेक्शन के बाद ये फ़ीस कोई चीज़ मायने नहीं रखती है कोई तैयारी कोई लाइक आप कहते कई बार मैंने देखा है कि आ, बोलते हैं हमें टाइम नहीं है ये नहीं है तो टाइम मैनेजमेंट जो है आपका सिलेक्शन के लिए वो बहुत ज़रूरी है और आपको एनी हाउ एक बार सिलेक्शन ले लेना है सिलेक्शन होने के बाद सारी चीज़ें आपकी हम कहें सेकेंडरी हो जाती हैं आप आपकी जो तैयारी है वो चाहे आप सेवेंटी परसेंट करें और चाहे हंड्रेड परसेंट तैयारी करें ठीक है तो सेवेंटी परसेंट और हंड्रेड परसेंट में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है एट्टी परसेंट हंड्रेड परसेंट में आप लोग देख सकते हैं कहने का मतलब ये है कि तैयारी तो सेवेंटी परसेंट वाला भी करेगा ठीक है लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होगा हंड्रेड परसेंट तैयारी करने वाले का सिलेक्शन हो जाता है तो जो सेवेंटी परसेंट है वो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें अपना रिसोर्सेज लगाता है टाइम लगाता है स्ट्रेस झेलता है सब कुछ दिलता है और उसके बाद उसका सिलेक्शन नहीं होता उसके पास चीज़ें नहीं आती हाथ में तो और टाइम वेस्ट और होता है पूरा एक साल दो साल गवर्नमेंट सेक्टर की जो जॉब होती है उसे लेते लेते पूरी तैयारी के चलते चलते दो साल का जो स्ट्रेस है और हमारे रिसोर्सेज़ हैं वो सारी चीज़ें उसमें लगती हैं फिर हमें जॉब नहीं मिलती तो बड़ा दुख होता है आ, लेकिन अगर हम 100 परसेंट पूरा अपने आप को झोंक दे और उसके बाद हमें जॉब मिल जाए तो जो, जो दो साल का स्ट्रेस हो जाए एक साथ निकल जाता है तो आ, अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो कहीं कही ना कहीं ये एक ईश्वर की तरफ से मैं कहूँ कि अच्छा एक्सपीरियंस रहा दो दो तीन दो दो तीन दिन बार सिलेक्शन हुआ है तो आप लोगों के लिए भी शुभकामनाएँ हैं और यही कहूँगा कि हंड्रेड परसेंट भी नहीं टू हंड्रेड परसेंट तैयारी कीजिए अपने एग्जाम के लिए सब कुछ दाव पे लगा दीजिए और फिर उसके बाद रिज़ल्ट डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा तो आप लोगों के लिए दोबारा से शुभकामनाएँ है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वीडियो में आपको जरूर देखिए उसमें हम इंग्लिश का जो पूरा सिलेबस है आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लिंग्विस्टिक्स और जो आपका टीचिंग मेथड्स हैं उन सभी चीज़ों को हम बहुत डिटेल में बात करेंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर